हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं भरतेश लाड़, मिस्टर लाड़ यूट्यूबर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बाइक के स्पीडोमीटर में जो है कई बार हमिंग की साउंड आ जाती है। यहां पे आप एक फुटेज देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से दोस्तों जो है बाइक में साउंड आ जाता है, जो स्पीडोमीटर होता है उसमें साउंड आता है, तो उसको दोस्तों आज हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा स्पीडोमीटर का केबल होता है उसे आपको चेक करना है, वो पुराना है या क्या हुआ है, उसमें रस्ट हुआ है, वो पूरा देखना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको जो स्पीडोमीटर केबल है उसे हमें बाहर निकालना है, और उसमें लुब्रिकेशन नहीं है तो आपको लुब्रिकेट करके देखना है। तो यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया है स्पीडोमीटर केबल। दोस्तों, हमारा जो है नया है बिल्कुल, और उसमें जो है लुब्रिकेशन भी मौजूद है, यानी दोस्तों हमारे केबल में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करेंगे, स्पीडोमीटर केबल को बाहर साइड में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें हेडलैम्प असेंबली को जो है खोलना है। उसके लिए दोनों बोल्ट को मैंने लूज़ कर दिया है। नीचे एक बोल्ट होता है दोस्तों, उसे भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, और अब हम जो हेडलैम्प असेंबली है उसे पूरा हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडलैम्प असेंबली जो है बाहर निकाल दी है, और यहाँ पे आपको वायर को जो है डिस्कनेक्ट कर देना है, सॉकेट से अलग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडलैम्प असेंबली को जो है बाहर रख दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो स्पीडोमीटर है उसे भी हमें बाहर निकाल लेना है। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने केबल को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, और अब हम मीटर पैनल को भी निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन बोल्ट है दोस्तों, उसे आपको लूज करके मीटर को भी बाहर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों जो वायर कनेक्शन है उसे आपको सॉकेट को डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वायर का सॉकेट है तो इसे आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मीटर को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसको जो है सर्विस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं और चार स्क्रू है, इसे भी हमें निकालना है, और ये भी कवर हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पैनल को भी अलग कर दिया है मीटर से, इसे भी हम साइड में रख देते हैं, और दोस्तों जो स्क्रू है उसे भी आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों ये हमारा मीटर ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो स्पीडोमीटर है उसे जो है यहाँ पे दो स्क्रू है इसे निकाल के जो है सिर्फ स्पीडोमीटर हमें बाहर निकाल लेना है। दोस्तों स्पीडोमीटर जो निकालते समय जो है आपको इसे जमीन पे नहीं रखना है, नहीं तो जो आपकी जो डायल है वो डैमेज हो सकता है। इसे आपको हाथ में लेके ही कुछ इस तरह से आपको इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बैक साइड के दोनों स्क्रू हमने निकाल दिए हैं, इसे आपको धीरे से जो है यहां से कुछ इस तरह से उठा लेना है। तो
तो दोस्तों ये हमारा स्पीडोमीटर जो है हमारे मीटर से अलग हो चुका है, इसे हमें साइड में रख देना है, इसे कोई भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीडोमीटर है। कई बार दोस्तों सालों साल यूज होने के बाद जो है यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है और यहाँ पे जो है जाम होने लगता है और जो इसके गियर्स होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से दोस्तों उसमें जो है काफी नॉइस क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से दोस्तों वो आवाज आने लगती है, हमिंग की आवाज जो है आने लगती है। तो सिंपली दोस्तों इसे क्या करना है, आपको अच्छे से ब्रश से इसे साफ कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफी पाउडर जो है इसमें जमा हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको क्लीन करने के बाद दोस्तों हम इसको ग्रीसिंग करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा जो है लुब्रिकेशन ऑयल जो है फिल करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम फिर से फिटिंग करेंगे और चेक करेंगे हमारा जो साउंड है, हमिंग साउंड है, वो बंद होता है या नहीं। दोस्तों इसे साफ करते समय और लुब्रिकेशन करते समय जो है आपको ध्यान देना है, इसमें जो है काफी नाजुक कंपोनेंट होते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए तो आपको पूरा स्पीडोमीटर ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सावधानी बरतनी है, जब भी आप इसे क्लीन करते हैं तो सावधानी से कीजिए, कोई भी इसमें के साथ पार्ट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितनी पाउडर जमा हो चुकी है और जो गियर से वो पूरे ड्राई हो चुके हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे और लुब्रिकेशन ऑयल भी लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे जो है थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वायर कनेक्टर है इसमें हम थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है रस्ट जमा हो चुका है, उसकी वजह से भी दोस्तों ये मीटर जाम होने की चांसेस होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पेट्रोल डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है इसे ऑपरेट करना है ताकि ये रस्ट जो है लूज हो जाए और वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्लीन करेंगे इसको कॉटन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पेट्रोल हमने डाला तो यहाँ पे काफी गंदगी यहाँ से जो है निकल रही है, रस्ट आप देख सकते हैं। तो इसे आपको पूरा क्लीन करना है अच्छे से, तभी आपका जो स्पीडोमीटर है वो फ्री हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा ऑयल और ग्रीस लगाएंगे, ज्यादा ऑयल और ग्रीस नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे डायलर भी होता है इसमें, तो उसमें गया तो आपको फिर से दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑयल भी नहीं डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसे क्लीन कर लिया है, इसमें हमें थोड़ा सा जो है इंजन ऑयल डालना है, सिर्फ दो बूंद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीस लिया है, यहाँ पे जो भी गियर से प्लास्टिक के उसे आपको थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा जो है सभी जगह पे अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा ग्रीस इसको लगा दिया है जो प्लास्टिक के गियर से उनको, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसा हमने निकाला था वैसा हमें सेम जो है असेंबल कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मीटर पैनल को कुछ इस तरह से रखना है और इसमें हमारा जो स्पीडोमीटर हमने अभी ग्रीसिंग वगैरह किया है उसको सिंपली जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें डाल देना है। तो दोस्तों हमारा स्पीडोमीटर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैक साइड में जो है स्क्रू लगाते समय ध्यान देना है, यहाँ पे इसे आपको जमीन पे नहीं रखना है, यहाँ पे हाथ में पकड़ के ही आपको काम करना है, नहीं तो जो डायल है वो डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्पीडोमीटर को बिठा दिया है और जो हमने दो स्क्रू निकाले थे उसे भी हमने टाइट कर दिया है, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पैनल है वो बिठाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फ्रंट पैनल है उसे हम बिठाएंगे। यहाँ पे अगर कोई डस्ट है तो आपको क्लीन कर लेना है दोस्तों, नहीं तो पूरा हमारा फिटिंग होने के बाद जो गंदा दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो है क्लीनिंग कर लेना है। उसके बाद हम इस मीटर को जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे फिट करने वाले है, ठीक है। और जो पांच स्क्रू है उसे हम फिट करेंगे। दोस्तों इसे वापस से फिटिंग करने से पहले आपको देख लेना है जो साइड में रबर का सील होता है वो डैमेज नहीं है, अगर ये डैमेज है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो सील है वो ओके कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बारिश के दिन में पानी और डस्ट अंदर चला जाएगा और इस पूरा आपका मैकेनिज्म जो है खराब हो सकता है, ठीक है। तो सील को आपको जरूर देख लेना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये ऊपर का पैनल जो है फिट हो चुका है। उसके बाद जो पांच स्क्रू है उसे आपको टाइट कर देना है। तो दोस्तों आपको ये पांचों स्क्रू को जो है फुल टाइट कर देना है ताकि डस्ट
और पानी जो है बारिश का इसमें अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिटिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो ऊपर का कवर है उसे भी हमें फिट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ऊपर का कवर भी फिट कर देना है और तीनों स्क्रू को टाइट कर देना है। तो दोस्तों हमारा एक पूरा मीटर का असेंबली कंप्लीट हो चुका है, हमने इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी कर दिया है। अब हमें इसे वापस से बाइक में फिट करना है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे बाइक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मीटर है उसे हम फिट करेंगे, जैसे हमने निकाला था कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको जो है मीटर को बॉडी के ऊपर फिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन बोल्ट आते हैं, उसे हमें टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा स्पीडोमीटर केबल है उसे हमें कनेक्ट कर देना है, जो हमने बाहर निकाला है। तो यहाँ पे हमने स्पीडोमीटर केबल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें वायर कनेक्शन कर देना है, जो हमने मीटर का सॉकेट निकाला था वायर का, उसे हमें वापस से जो है कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने वायर कनेक्शन भी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें जो दूसरी तरफ स्पीडोमीटर केबल कनेक्ट होता है व्हील की तरफ, उसे हमें कनेक्ट कर देना है और टेस्ट करके देखना है। उसके बाद ही दोस्तों हमें हेडलैम्प असेंबली को असेंबल कर देना है, नहीं तो दोस्तों आपको पूरा फिर से खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम हेडलैम्प असेंबली को फिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टेस्ट राइड ली है, जो साउंड था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम जो हेडलैम्प असेंबली है उसे भी हम फिट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको भी जो है आवाज़ एक बार दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम है फिक्स हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमने हेडलैम्प असेंबली को फिट कर दिया है, और अब हम चलते हैं टेस्ट राइड पर, और जो आवाज़ है वो फिक्स हुआ है या नहीं हम चेक करते हैं। चलिए चलते हैं टेस्ट राइड पर। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे जो हमारा हमिंग साउंड का प्रॉब्लम था स्पीडोमीटर में वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लगभग 60 की स्पीड में हमने यहाँ पे गाड़ी चला के देखी है, कोई साउंड जो है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।